كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن الكتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم وختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم أين يشربوا بها المقربون صدق الله العظيم. हरगिज़ नहीं, बेशक जो गुनहगार हैं उनका नामे आमाल सिज्जीन में रहेगा। तुम्हें क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है? एक दफ्तर लिखा हुआ है। उस दिन झुटलाने वालों के लिए बड़ी ख़राबी वाक़ होगी, आखरत को झुटलाने वालों के लिए, अल्लाह को झुटलाने वालों के लिए। जो इंसाफ के दिन को झुटलाते हैं, और उसको वही आदमी झुटलाएगा जो हद से निकलने वाला है, गुनाह पर इसरार करने वाला है। जब हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है कि पुराने किस्से, हरगिज़ नहीं, इनके दिलों पर जंग चढ़ गया है जो इन्होंने अमल किए। हरगिज़ नहीं, कल ये रोग अपने रब से जो है रोक दिए जाएंगे, अपने रब की दिशा से रोक दिए जाएंगे, फिर इनको ये दाखिल किए जाएंगे दहकती हुई आग के अंदर, और उनसे कहा जाएगा कि ये वही जो है जिससे तुम झूठ इनकार किया करते थे, इसकी तकजीब किया करते थे, यही तो चीज़ है। अब ये उनका हाल होने के बाद जो ईमान वाले हैं, हरगिज़ नहीं, जो अबरार हैं, नेक लोग हैं, उनका नामा आमाल जो इल्लीन के अंदर होगा। तुमको क्या मालूम कि इल्लीन क्या है? तो एक दफ्तर है लिखा हुआ, उसको फरिश्ते जो है उसके पास जो है उसकी देखते रहते हैं फरिश्ते उसके पास। बेशक जो नेक लोग हैं वो जन्नत की नेमतों में होंगे, तख्तों पर बैठे हुए होंगे, उनके चेहरे पर आप जो है ताजगी, नेमतों की ताजगी नज़र आती होगी, नेमतों की ताजगी उनके चेहरों से तुम महसूस करोगे, और उनको रहीक मख्तूम मोहर लगा हुई शराब पिलाई जाएगी, जिस पर ऐसी मोहर जो मुश्किल होगी। ये चीज़ है जिसके लिए तुम्हें जो है कंपटीशन करना चाहिए, तनाफुस के माने कंपटीशन करना, ये चीज़ के लिए। और उसके अंदर तस्नीम की जो है मिलावट होगी, एक चश्मा होगा जिसको मुकर्रब लोग जो है पियेंगे। तो अल्लाह ताला हमेशा जो है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करके हमको बताते रहते हैं, देखो ये लोग ऐसे ही इनका अंजाम है, ये लोग ऐसे इनका अंजाम है। इन्नल किताब अल फुज्जार, लफ्ज़ फाजिर की जमा फुज्जार, फजर के माने क्या है? फजर, तारीखी छट जाती है, रोशनी आ जाती है, तारीख को काट कर आती है, मालूम अंधेरा है उसको रोशनी आके काट रही, तो तोड़ना फाड़ना के माने, असल फजर के माने फाड़ने की, तो शरीयत के अहकाम को फाड़ना फाजिर कहलाता है। फसक के माने फटना है, फासिक और फाजिर दो अल्फाज आते रहते हैं। अब जो है ऐसा अंगूर है या कोई फल है, अंदर से उसका छिलका फाड़ के आता है, उसको फसक कहते हैं, गूदा निकल के आ रहा है, पकने के बाद होता ना कभी, अनार है देखते फट के आता उसका अनार, छिलका फटता आ जाता, तो फटना है फजर के माने फाड़ना। तो शरीयत के अहकाम को जो आदमी फाड़ने वाला है, ऐसा हुक्म है जो अपनी हद तक है तो फासिक है, वो हुक्म जो नज़र आने वाला है तो फाजिर है। फाजिर किसे कहते हैं, फासिक किसे कहते हैं? अपनी हद तक ही गुनाह कर ले चुप बैठे, क्या जो जो गुनाह दिख रहा है वो फासिक फाजिर है। तो क्या करना चाहिए? लोग फासिक फाजिर हैं, कोई बोलने वाला नहीं है, क्या जहर को तुम्हें पड़ जा रहे भाई? जहर से मालूम हो रहा है ना, आदमी मर्द है कि औरत है, कैसे मालूम हो रहा है, बच्चा है कि जवान है कि बूढ़ा है, मालूम हो रहा है, जैसे मालूम होता है उसकी पढ़ना चाहिए, कैसी बात चलने वाली। ये दुनिया तो आलम है जो है, मादी आलम है, या तो जो है वो जाहिर को देखा जाएगा। अब तुम नमाज पढ़ने के बैठे कैसे मालूम, ऊपर से उन्हें नमाज अंदर पढ़ा क्या करता करता कि नहीं, हमला दिख रहा है, ठहरे रुकू कर रहा है, सजा कर रहा है, तो पूरे अहकाम जाहिर पर हैं। इसलिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने ऐसे ही मुनाफ़
देखो भाई, हम सिर्फ नहनु नहकुमु बिज़्ज़वाहिर, हम सिर्फ ज़ाहिर पर हुक्म चलाने वाले हैं, और भैया तवल्लल सराय अल्लाह के ज़िम्मे करते हैं, उसके दिल में क्या है अल्लाह देख लेता। पकड़ो, ये ना मुनाफिक है, कैसा मालूम होना, कोई अमल करा है नफा कब बोलेंगे, नहीं उससे मुनाफिक बोलना है, काफिर मुशरिक बोलना है, उससे कोई अमल ज़ाहिर हो जब बोलेंगे हम, तब तक नहीं बोलेंगे। तो इन्नल फुज्जार, फाजिर लोग जो है सिज्जीन में होंगे। सिज्जीन जो है सजन के माने कैद करना, तो कैद खाना। ये कैद खाना कहाँ है, अब मुफस्सिरीन लिखे हैं कि सातों ज़मीनों के नीचे एक जो है जहन्नम का जो कैद खाना है, जहन्नम उसके नीचे, और वो कैद खाने के अंदर इनकी रूहें भी रखी जाएंगी, इनके आमाल नबी वहाँ रहेंगे। ये फरमा गया, तुम्हें क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है। सिज्जीन तो बहुत जो है जहन्नम का एक गड़ा है। तो ये लोग कैसे थे, ये लोग जब हमारी आयतें तिलावत की जाती थी तो बोलते थे ये सब पुराने किस्से कहानियाँ हैं। अरे पुराने किस्से कहानियाँ इसलिए हैं कि तुम इबरत पकड़ने के लिए ही, तुम्हारे लिए। अल्लाह के कुरान में सुनाते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़ा ऐसा हुआ, फिरौन पर ऐसा कर दिया, कौम आद पर ये अज़ाब आया, कौम समूद पर। तो पुराने किस्से क्या लगाए बैठे, हम तरह तुमको अच्छे अफसाने सुनाता हूँ बोलना। नज़र बिन हारिस बोलता था, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या सुना रहे हैं यार, आज भी यही बात है, ये सब पुरानी बातें साहब, पुराना हो, पुराना होता ही नहीं, मतलब हमेशा ताज़ा है, हर चीज़ ताज़ी है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि इसको झुटलाने वाला वही है जो हद से बढ़ने वाला है, गुनाह पर इसरार करने वाला है, वही झुटला गया। जब हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो कहता है कि पुराने किस्से और कहानियाँ हैं, हर किस नहीं इनके दिलों पर जंग चढ़ाया। आईना है, आईना जो है अच्छा आईना रहा तो आपको पूरी सूरत नजर आएगी, उस पर मट्टी गर्द पड़ी हुई है या उसका पारा वो निकल चला। पहले आईना जो है लोहे से बनाते थे, मालूम साइकिल करते थे, ओ माँ 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 कुछ उसमें अभी भी क्या भी बहुत अच्छी पॉलिशिंग करते दिखते ना, स्टील के बर्तन रहते हैं ना, स्टील सूरत नज़र आती थी जी, इतना पाक मांझे रहे मुँह नज़र आ रहा देखो तो। वो ज़माने आप जो है आईना इससे बन रहा है, ग्लास आ गया है उसके पीछे पारा चढ़ा के बनाते, ये पारा उखड़ गया या आईने पर जो है धूल आ गई तो सर सर नहीं आती। तो इस तरह से इंसान का दिल है, तुम्हें तो हकीकत नहीं मालूम हो रही, क्यों नहीं मालूम हो रही, सब जंग लगवा है। तो जंग को दूर करो, किसकी वजह से, तुम्हारे अमल की, बीमा का एक सिपुन तुम्हारे अमल से जंग लग रहा है, वो क्या अमल करो सोचो, तुम पहले जंग लगता है, पहले तो जो है कुफ्र से शिरक से ये सारी बिदात से सब कामों से तुम्हारा जंग लगा हुआ है, तुम्हें सही चीज़ नहीं मालूम हो रही, ये तो ऐसा होगा। फिर अल्लाह ताला के फरमाए कल्ला इन्नहुम अर्रब्बिहिम यौमैज़िल महजूबून, इनको कल अपने रब के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा, जाओ इन्होंने अपनी सूरत नहीं देखी, अल्लाह क्या देखेंगे लोग। नहीं देख सकते लोग, इनके अमाल का जंग बैठा हुआ है, इसलिए इनकी सिदात जो है हक को बातिल को पहचानने की जो कैपेसिटी चली गई है। आज तो ये, कल ये लोग अपने रब के दीदार से रोक दिए जाएंगे। कल सबसे बड़ी नेमत, आगे जो नेमतों का जिक्र है, सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला का दीदार होगा। अल्लाह ताला बोलते हैं जन्नत वालों, क्या मैं तुमको वे नहीं किया, क्या तुम्हारे चेहरे रोशन कर दिए, मेरे तुम्हारे लिए है बागात दिए, तुम्हारे लिए अच्छी खूबसूरत दुनिया दी, अल्लाह सब दिया, सब दिया, और एक चीज़ देना है, वो अल्लाह ताला का दीदार। अल्लाह ताला के दीदार की बात लोग समझे कि इससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं। तो काफिरों के बारे में जो उनको सजा दी जा रही, तो ये फरमाया जा रहा है ये लोग अपने दीदार से महरूम रखे जाएंगे। वो भी इंसान है, उसके दिल में भी अल्लाह का यकीन तो है, नहीं मान रहा ये और बात, कल वहाँ तो पूरा यकीन हो जाएगा, वो इसी बड़ी नेमत से महरूम हो, तो जहन्नम में जा रहा है, जल रहा है, कर रहा है, वो तकलीफ है ही, लेकिन जब उसे बुलाएगा तो जो तेरे रब की दीदार से जो महरूम रखा जाएगा तो बहुत जो है उसको तकलीफ होगी। तो उससे मालूम होगा सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ी नेमत अगर है तो अल्लाह का दीदार, सबसे बड़ी नेमत जो है अल्लाह का दीदार। तो इन लोगों को जो है जहन्नम में रखा, देखते आदमी रखा जाएगा और कहा जाएगा कि ये चीज़ तुम झुटलाया करते थे, कहाँ की जहन्नम, कहाँ का ये बोलते रहो, ये मैं एक लाख काफ़ी हूँ लो, ऐसे थे ना 19 से ये रखेंगे थे, 19 के अंदर क्या मैं 18 लोगों में देख लेता हूँ, तुम्हें एक ही मुकाबला करो,
तरह से वो लोग कहा करते थे, तो कहा जाएगा हाँ आप जहन्नम में दाखिल हो जाओ, ये दुनिया की आग नहीं जहन्नम की आग। अब उसके बाद जो नेक लोग हैं अबरार, बिर लैसल बिर, कुरान में बिर क्या है तफसील से बयान किया गया है, पहले तो अकायद हैं उसके बाद आमाल हैं उसको दखला है। सूरह बकरा में लैसल बिर, नेकी ये नहीं कि तुम अपना चेहरा मछली की मदद कर लो, उसके बाद फिर बताया गया कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पर ईमान लाओ, पहले ईमानियात हैं उसके बाद नेक आमाल हैं उसके बाद अखलाक। बिर की माने क्या थी, एक छोटा सा नेक काम करना, ऐसा नहीं, एक जामे लफ्ज़ है बिर, एक जो है जामे लफ्ज़ है, उसके अंदर सारी नेकियाँ आ जाती हैं ईमान से लेके अखलाक तक। तो जो अबरार हैं इल्लीन, इल्लीन आला से है, तो अल्लाह ताला का जो अर्श है उसके नीचे जो एक मकाम है इल्लीन कहलाता है, वहाँ नेक लोगों की रूहें भी रहेंगी, उनकी आमलना भी वहाँ रहेंगी, उनके अकाउंट के साथ जो काम करें से वो अकाउंट भी है, उनकी रूहें वहाँ रहेंगी। इन लबरा लफी नहीं, अब ये लोग जन्नत की नेमतों में होंगे। अल्लाह लड़ाई की अंदरून, बस तख्तों पर, तख्ते ने बादशाह के जो तख्त है वो तख्तों पर उनको बिठाया जाएगा, तख्त शाही पर बिठाया जाएगा। तारीफ फ़ी वजूह नजरत नईम, नेमतों से जो चेहरों पर जो रौनक आती है वो देखेंगे, अरे भाई क्या बोलते ना, क्यों काफ़ी मस्त है, देखो जो नहीं क्या खाना नहीं, सुन देखो क्यों सूत्र कैसी उतरी, देखो मरने में देखो सूरत जाहिर करती है, तो जाहिर की इंपॉर्टेंस है जीने वाले भाई, जाहिर के बैर कैसे फैसला कर सकते हैं बोलो। तो उनके नेक लोगों के चेहरों पर जो है नेमतों का असर तुम देखोगे, तो अल्लाह ताला आगे बोलेंगे जो है इसको न मैं रही की मखतूम, मोहर लगी हुई शराब, मोहर थोड़ी सी नहीं बिल्कुल पैक बोल रहे सील है जी, सील थोड़े नहीं जी अभी तक ले, ऐसी बॉटलें मिलेंगी तुरंत मिलाते हैं, सील न को थोड़ा रहे सील, पानी की बोटलें, इसकी बोटलें, उसकी बोटलें, सब वैसे तो वहाँ भी मोहर लगी हुई शराब पिलाई जाएगी, कई की मोहर लगी मिश्क की शराब, मिश्क जो होता है ना उसकी मोहर लगी हुई उसको, और उसके अंदर तस्नीम की मिलावट होगी, तस्नीम एक चश्मा होगा जो आला दर्जे का जो है मशरूब है। अब फल यतना फिसल मुतना फिसूल, तुमको ऐसे कामों के लिए कॉम्पीट करना चाहिए भाई, तुम कौन से कामों में कर रहे हैं बोलो, बेकार किस्म में झगड़ों में नफसानी कामों में कर रहे हैं। अब ये तो इनका जिक्र आ गया, अब इसके बाद अल्लाह ताला फरमाए इन लजीना अजरमू कान मिन लजीना मन जज़कून, जो लोग ये जो गुनाहगार हैं ईमान वालों पर हंसते रहते हैं, क्या रे दाढ़ी छोड़ो बेटा तुझे क्या है, तो पाकिस्तान के गालिब लिखे चला इस वक्त लिखो इमाम के मस्जिद में, ऐसा नौजवान आदमी दाढ़ी छोड़ो मॉडर्न आदमी बोल रहे, हमारे बच्चे दिन को नहीं समझे जी कहते बोल रहे, हाँ देखो दाढ़ी कितनी छोड़े नहीं क्या साहब दादी, इतनी बड़ी दाढ़ी नको थोड़ी सी रखो, इतनी छोटी दाढ़ी रखो क्या पैजाम इतना ऊँचा कर लिया है क्या बोल रहे, अपनी गलती पर हो दूसरों को जो है बोल रहा बुढ़ा हो बुढ़ा बुढ़ा हो ये डाई लगा ले कैसे है, तो ये जुर्म करने वाले लोग ईमान वालों पर हंसते हैं, आज भी हंसते हैं, हंसते हैं या सकून के माने हंसते रहते हैं लोग, क्या माँ का मारो क्या देखे कहते मैं क्या उसके बेटे देखे क्या इतनी बड़ी बड़ी जड़ छोड़ गए उसकी माँ का मारो, इजा मर रू भी जब गुजरते हैं तो आंखों से इशारा करते चले जाते हैं, देखे क्या हंसते करते हैं उनके ऊपर, इजा इनकलबू इजा इनकलब इनकलब फकीन, घर में जाकर मस्त और हंसने का इनकलब फकीन, फकीन की मैंने बातें करना, बातें बगाड़ना, मजाक की बातें करने को फकीन कहते, सादे बातें करने को नहीं, मजाक मजाक की बातें करके करते ना ऐसी माँ क्या चीज घर में जाकर अपने वैजारोह मुकालो इन हावला, फिर उनको कहते हैं ना क्या सेंसिस नहीं जी माँ कौन कौन सा मोली मिल गुमराह करा दे कौन, जब उनको देखते हैं तो गुमराह हैं, वमा उर्सिल अलैहिम हाफिज़ीन, तो अल्लाह ताला करें हम इनको निगरान नहीं बनाए इन लोगों को तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा दाढ़ी नापो तुम्हारा पैजामा नापो हम नहीं बनाए इन लोगों को। अब फरमाया जा रहा है पल यौम अल्लज़ीन आमनु मिनल कुफ्फार यज़्हकून, आज ईमान वाले इन लोगों पर हंसते रहे, आज ईमान वाले ये इनकार करने वालों पर हंसेंगे पर हंसते रहे, ये ज़कून ही बेहतर है, अल्लाह लराई के अंदरून बस तख्तों पर शायद बैठे हुए देखते रहेंगे कहाँ हैं जन्नत में पड़े हुए, हल सिबल कुफ्फार मा कानु यफ़लून, कुफ्फारों को क्या बदला मिलने वाला है, वही बदला जो उन्होंने किया। तो आखिर में मुफ्ती साहब ने शेर लिखा है किसी शहर का, हंसे जाने से जब तक हम डरते रहेंगे, आप बोलते हैं बोलो वहाँ
हंसे जाने, जब तक हम डरते रहेंगे ज़माना हम पे हंसता ही रहेगा। ये कहाँ का फसाना है सूदो जियाँ, जो गया सो गया जो मिला सो मिला। कहो जहन से फुर्सत उम्र कम है, जो दिला तो खुदा की याद दिला। अबरार लोग जो है नेक अमाल करके अल्लाह के पास पहुँचने वाले हैं, जहाँ उनको इनामतें मिलने वाली हैं। तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ मजाक कर रहे हो, बुराई में फंसे हो, फिस्क फुजूर और फाजिर लोग। तो ये जो काफिर थे उनका हाल है, आज ईमान वालों का हाल भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। काफिरों का हाल सुना गया हमको, जो वहाँ काफिर थे मक्का में अल्लाह के रसूल को ईमान वालों के साथ मजाक ठट्टा करते थे, तो आज जो ईमान वाला कहने वाले गुरु है वो भी ऐसे हो। आखिरत पर कितना यकीन है, देखो मरने का कितना यकीन हम लोगों को बताओ, किस मुँह से हम अपने आप को ईमानदार कहते हैं। तो ये अक्सर सूरतें जो तीसरी पारी की अक्सर में जो है आखिरत का ही मजमून अलग अलग स्टाइल से अलग अलग तर्ज से हमारे सामने बयान किया गया है, ताकि वो अकीदा मजबूती से बैठ जाए, अलग अलग पहलुओं से अलग अलग एंगल से, इस एंगल से बयान किया, इस एंगल से बयान किया, इस एंगल से बयान किया, कम से कम किसी एंगल से तो भी उसके दिल में उतर जाए बात। तो ईमान वाले कल जो है कामयाब बामुराद होंगे, तख्तों पर, शाही तख्तों पर बैठे होंगे, उनके चेहरों पर जो है नेमतों के असरात जाहिर होंगे, उनका रब उनसे राज़ी रहेगा, रब के दीदार से मुशर्रफ होंगे। महजूब हिजाब, काफिरों को हिजाब डाल दिया जाएगा, बस अल्लाह तआला करने होगा इनको। तो जो जितना ज़्यादा अल्लाह से खुद रखना है उतना दीदार होगा, किसी को 8 दिन में, किसी को रोज़, किसी को सुबह शाम, किसी को हमेशा के लिए अल्लाह का दीदार होता रहेगा। सबसे बड़ा जो है वो हमेशा दीदार होने वाला है, तो अल्लाह के दीदार से बड़ा कोई नेमत नहीं होगी। सब भूल जाएंगे, सब जितनी नेमत हैं सब भूल ही जाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको अपनी दीदार से मुशर्रफ करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة الله مقبولة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.